मोसुल में इराकी आर्मी का तांडव। टूट ही गया बगदादी का मौन व्रत। तीन सौ 65 दिन बाद 31 मिनट का स्पेशल मैसेज। बौखलाए बगदादी की गीदड़ भपकी। बगदादी का जहन्नुम वाला टिकट और आईएस के गिने चुने दिन। चलिए बुलेटिन में आज हम बात करेंगे आतंकी आका के सिर पर मंडराती मौत की। एक वक्त था जब इराक में हर तरफ बगदादी का ही कब्जा था, लेकिन आज इराक में सिर्फ एक शहर है जो अब तक बगदादी के कब्जे में है और इसका नाम है मोसुल। और इसी इलाके से बगदादी ने अपना ऑडियो टेप जारी किया है। इस ऑडियो टेप के जरिए बगदादी अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को गीदड़ भपकियां दे रहा है, क्योंकि पिछले 17 दिनों में जिस तेजी से इराकी सेना ने मोसुल को घेरा है, ऐसा लगता है कि मानो आतंक का अंत अब बेहद करीब है। ये आतंक के आका की वो आवाज है जिसका कोई ठिकाना नहीं बचा है। कब उसके ठिकाने पर हमला हो और कब ये हमेशा के लिए खामोश हो जाए। कभी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे बगदादी के डे ड्रीम्स अब धूल में मिल रहे हैं। कभी हत्या और क्रूरता की तस्वीरें मोसुल से आती थी, लेकिन अब इस्लामिक स्टेट के ठिकानों के नेस्तनाबूद होने की तस्वीरें आ रही हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में लगी लंबी दूरी तक मार करने वाली गन बगदादी के गुर्गों को मौत की नींद सुला रही है। जमीन पर मौजूद इराकी सैनिक गोली और आरपीजी लॉन्चर से ऐसे गोले दाग रहे हैं। जो घरों की दीवार से लेकर टैंक के बख्तर को भी बर्बाद कर दे, अब बगदादी के वो कंक्रीट की दीवार भी उसे नहीं बचा सकेगी जिसमें सैकड़ों की संख्या में एक्सप्लोसिव्स लगे हुए हैं। पिछले 2 सालों से आतंक के आका ने बड़े जुल्म उठाए हैं जिनके बदले का वक्त आ गया। हैरानी की बात यह है कि अब भी बगदादी अपने लड़ाकों को झूठी तसल्ली दे रहा है। साल भर के बाद बगदादी का मौन व्रत टूटा है और दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो टेप में आतंक के मजबूर आका बगदादी की ही आवाज है। فَإِنَّ الْحَرْبَ حَرْبُكُمْ حَوُّلُوا لَيْلَ الْكَافِرِينَ نَهَارًا وَخَرِّبُوا دِيَارَهُمْ دَمَارًا وَجْعَلُوا دِمَاءَ। इराक में खून खराबा करने वाले बगदादी के ज्यादातर आतंकवादी या तो मारे जा चुके हैं या फिर इराकी सेना से घिरे हुए। जब जान पर बनी है तो आतंकी भाग रहे हैं, जिन्हें एकजुट करने के लिए बगदादी मजहब और जिहाद का पहाड़ा रटा रहा है। इस्लामिक स्टेट आज जो युद्ध लड़ रहा है और जिहाद को आगे बढ़ा रहा है, इसने हमारे भरोसे को मजबूत किया है और ये हमारी जीत की शुरुआत है। इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सबसे मजबूत गढ़ मोसुल की आजादी अब दूर नहीं। 17 अक्टूबर को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ शुरू हुई जंग अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है। ऊपर वाले की इजाजत के साथ जाओ, ये तुम्हारी लड़ाई है। इराकी आर्मी अबदूत बनकर बगदादी के जिहादियों को ढूंढ रही है और सामने आते ही उनकी जान ले लेती है। मोसुल के हर उस घर की तलाशी हो रही है जहां कभी आतंकी रहते थे और बगदादी अपना अलग ही राग गा रहा है। बगदादी अपने ऑडियो मैसेज में आत्मघाती हमले में इजाफा करने को कह रहा है। 31 मिनट लंबे ऑडियो टेप में बगदादी की ही आवाज है, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई। बगदादी अपने आतंकियों को हमला करने के लिए कह रहा है, लेकिन इस नक्शे से समझिए कि इराक में असल हालात कुछ और हैं।
इराक की राजधानी बगदाद, बसरा, फलूजा, रमादी और बेजी समेत बड़े इलाके पर इराकी सरकार का कब्जा है। कुर्दिश सेना के कब्जे में सिंजर का इलाका है, साथ ही मोसुल शहर को भी कुर्दिश सेना ने तीन दिशाओं से घेर लिया है। आईएस के कब्जे में अंतिम शहर मोसुल है, इसके साथ ही आसपास के कुछ इलाके भी बगदादी के कब्जे में है। खबरों के मुताबिक आईएसएस का चीफ अबू बकर अल बगदादी मोसुल शहर में मौजूद है और अगर वो मारा जाता है तो इस्लामिक स्टेट नाम का खूंखार संगठन खत्म हो जाएगा। इराकी सेना के मुताबिक बगदादी पिछले 8 महीने से छिपा है। अब चारों तरफ से घिर जाने के बाद ऑडियो मैसेज भेजकर आतंकवादियों को फिदायीन हमला करने की सीख दे रहा है। जिस तरह से मोसुल में लड़ाई जारी है उससे उम्मीद की जा रही है कि साल खत्म होते होते इराक से आतंक का दानव भी खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। अब बात अमेरिका के इलेक्शन से जुड़ी हुई। अमेरिका में चुनाव की तारीख महज 6 दिन दूर है, लेकिन यहां ठीक चुनाव से 11 दिन पहले जो नया झमेला सामने आया है उसने इलेक्शन को और भी दिलचस्प बना दिया है। हिलेरी क्लिंटन की ईमेल्स की जांच को लेकर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का रवैया हिलेरी को झलाने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन अब भी कुछ सर्वे एजेंसीज हिलेरी को प्री पोल सर्वे में ट्रंप से आगे बता रही हैं। अमेरिकन इलेक्शन के सर्वे के आंकड़े भी हर दिन नए सर्वे के साथ बदल रही हैं। ऐसे में कब कौन सा कैंडिडेट राहत की सांस ले ये कहना मुश्किल है। जहां एबीसी न्यूज और वॉशिंगटन पोस्ट के ताजा सर्वे ने हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से 1 अंक पीछे बताकर उनकी मुसीबत बढ़ा दी थी, वहीं अब रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के नए सर्वे ने हिलरी क्लिंटन को एक बार फिर से ट्रंप से 6 अंक आगे बताया है, जिसके बाद हिलरी कैंपेन के खेमे में थोड़ी राहत तो आई होगी, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपनी सभी रैलियों में हिलरी क्लिंटन की फजीहत करने से जरा भी नहीं चूक रहे। ईमेल स्कैंडल्स के मसले पर जिस तरह हिलरी घिरी हुई है उसे देखते हुए ट्रंप ने ये तक डिक्लेयर कर दिया है कि हिलरी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। छह दिनों में हम फ्लोरिडा के महान इलाके को जीतने जा रहे हैं और व्हाइट हाउस को भी जीतने जा रहे हैं। पहले ही ऐसा महसूस हो रहा है, हम खुश हैं। लेकिन हमें विषय पर रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों से हिलेरी को लगातार देख रहा हूं कि वो अपना संतुलन खो बैठी है। Because I've been watching Hillary the last few days. She's totally unhinged. We don't want any of that. She has become unhinged. चूंकि FBI क्लिंटन की मुसीबतें लगातार बढ़ा रहा है, ऐसे में हिलरी की झुंझलाहट अब कई बार पब्लिक पोडियम पर दिखाई देने लगी है। हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हिलरी के पति और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ जांच से जुड़े 15 साल पुराने दस्तावेजों को पब्लिक कर दिया है। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये दस्तावेज 129 पन्ने के हैं, जो बिल क्लिंटन और मार्क रिच मामले से जुड़े हैं। वित्तीय मामले में भगोड़े रहे रिच को बिल क्लिंटन ने 2001 में माफी दे दी थी। जिस दिन रिच को माफी दी गई वो राष्ट्रपति बिल के कार्यकाल का आखिरी दिन था। FBI ने ये मामला साल 2005 में बिना किसी आरोपों के बंद कर दिया था। रिच की मौत 2013 में ही हो चुकी है। ऐसे में हिलरी कैंपेन जांच की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। वहीं व्हाइट हाउस ने भी FBI के दोबारा ईमेल जांच के मसले में दखल अंदाजी से इनकार कर दिया है। अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक फ्लोरिडा में हिलरी क्लिंटन तब अपना आपा खो बैठी जब उनकी रैली में बिल क्लिंटन को रेपिस्ट बताने वाला बैनर लहराया गया, जबकि ऐसे बैनर भी नई बात नहीं है और बिल पर ऐसे आरोप भी, लेकिन हिलरी का बदला हुआ एटीट्यूड जरूर उनकी झुंझलाहट का नतीजा है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। हिलरी क्लिंटन अगर भड़की हुई हैं तो उसकी वजह वो ईमेल्स हैं जो विकिलीक्स ने लीक किए हैं। हिलरी क्लिंटन के कैंपेन प्रेसिडेंट जॉन पोडेस्टा के ईमेल्स से मिली जानकारियां ही हिलरी को प्रॉब्लम्स में डाल रही हैं, जिसका ठीकरा डेमोक्रेटिक पार्टी ने रूस के मत्थे फोड़ा था। लेकिन विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें हिलरी के मेल्स रूस ने हैक करके नहीं दिए और ये विकिलीक्स का अपना काम है।
हिलरी क्लिंटन के ईमेल लीक्स का मुद्दा अमेरिका के चुनाव में जब छाया तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसकी हैकिंग का टीकरा रूस के सर फोड़ दिया। लेकिन अब इस बात का सच बताने के लिए खुद विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाज ने रशियन टुडे को एक इंटरव्यू में दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिलरी क्लिंटन के ईमेल्स को रूस ने हैक करके उन्हें नहीं दिया। हिलरी क्लिंटन के बनाए गए गेम को विसिल ब्लोअर ऑर्गेनाइजेशन विकिलीक्स ने ही बिगाड़ा है। विकिलीक्स ने क्लिंटन कैंपेन के अध्यक्ष जॉन पॉडेस्टा की मेल हैक करके पब्लिश की है। इन मेल्स में पॉडेस्टा और हिलरी के बीच की बातचीत है, जिसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने रूसी सरकार पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। रूस की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि अमेरिका में हुई किसी भी हैकिंग में रूस का हाथ नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी और हिलरी क्लिंटन हमेशा से ही कहती रही कि रूस डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए साइबर हैकिंग का सहारा ले रहा है। चार सालों से इक्वेडोरियन एम्बेसी में शरण ले रहे अंसाज ने कहा है कि विकिलीक्स खुद ही इस तरह के लीक्स करता है और इसमें रूस का कोई हाथ नहीं है। बात जहां तक सोर्सेज की रही, अंसाज ने कहा कि विकिलीक्स की ये पॉलिसी है कि वो अपने सोर्सेज को पब्लिक नहीं कहता। जूलियन अंसाज ने साल 2010 में ऐसे कई वायर लीक्स किए थे जो अमेरिका के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, जिसके बाद से अंसाज अमेरिका के दुश्मन बने हुए हैं, जबकि स्वीडन में उन पर सेक्स एलिगेशंस लगाए गए हैं। ऐसे में प्रत्यर्पण से बचने के लिए अंसाज इक्वेडोर की एम्बेसी में रह रहे हैं। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। चलिए अब आपको दिखाते हैं मेडिकल साइंस का एक और चमत्कार। दरअसल ये चमत्कार से ज्यादा डॉक्टर्स का जुगाड़ कहा जाएगा, जिन्होंने एक इम्पॉसिबल सर्जरी को जुगाड़ से पॉसिबल कर दिखाया और इसके साथ ही दुनिया के सामने आया पहला 3D फेस ट्रांसप्लांट, जिसने एक शख्स की जिंदगी में खुशियां ला दी। ब्राजील में मेडिकल जुगाड़, दुनिया का पहला 3D फेस ट्रांसप्लांट, स्मार्टफोन से बना दुनिया का पहला 3D फेस। ब्राजील में डॉक्टरों ने एक मेडिकल मिराकल करके दिखाया है। ब्राजीलियन डॉक्टर्स ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड फेस ट्रांसप्लांट किया। दरअसल 54 साल के कार्लेटो बीते 8 साल से मुंह के कैंसर से जूझ रहे हैं। इसके चलते उनके चेहरे के बाएं हिस्से में ट्यूमर हो गया था, गले से लेकर आंख के ऊपर तक फैल गया, आंख भी खोनी पड़ी। डॉक्टरों ने सर्जरी कर ट्यूमर को हटाया, लेकिन चेहरे पर बड़ा गड्ढा हो गया। सूरत बिगड़ जाने की वजह से दोनों बच्चों के पिता कार्लेटो डिप्रेशन में चले गए। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर रोड्रिगो सालाजार ने जुगाड़ का सहारा लिया। उन्होंने स्मार्टफोन की मदद से उनके चेहरे के खराब हुए हिस्से को 3D टेक्निक से तैयार किया, फिर उसे ट्रांसप्लांट कर दिया। डॉक्टर रोड्रिगो सालाजार ने करीब 2 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया। इलाज के लिए फ्री ऐप ऑटोडेस्क 123D डाउनलोड किया, जिसकी मदद से कार्लेटो के चेहरे का 3D मॉडल बनाया, खराब हुए हिस्से की 15 तस्वीरें ली और उन्हें योजनाबद्ध तरीके से 3 अलग अलग ऊंचाई पर सेट किया, फिर इन फोटोज को अपलोड किया और कॉर्लेटो का वर्चुअल फेस बनाया। इसके बाद प्रिंटर की मदद से मरीज का चेहरा बनाया, फिर खराब हुए हिस्से को भरने के लिए सिलिकॉन की स्किन बनाई गई, फिर स्किन को रंग और रूप दिया गया। असली स्किन की तरह झुर्रियां भी बनाई गई ताकि चेहरा नेचुरल दिखाई दे। इस काम में 20 घंटे का वक्त लगा। फिर इस हिस्से को चुंबक और टाइटेनियम के स्क्रू की मदद से चेहरे पर जोड़ा गया। इस सर्जरी में 2 घंटे का समय लगा। कार्लेटो के लिए पहली कोशिश फरवरी में की गई, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। इसके बाद उनका कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया, लेकिन दूसरी सर्जरी के बाद जब उन्होंने अपना चेहरा देखा तो खुशी से चिल्ला उठे। आपको बता दें कि दुनिया भर में हर साल मुंह और गले के कैंसर से जुड़े 5.5 लाख मामले सामने आ रहे हैं। इनमें इलाज के अभाव में 3 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में इस मेडिकल जुगाड़ ने कैंसर पीड़ितों के लिए एक उम्मीद जगाई है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेप जैसे बुरे एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद खुद को समाज में खड़ा करना बेहद हिम्मत की बात है, लेकिन पाकिस्तान की एक महिला ने यह हिम्मत कर दिखाई है, जिनका नाम है मुख्तारन माई। साल 2002 में मुख्तारन माई के साथ जो हादसा हुआ
वो उनकी जिंदगी को तबाह कर गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल कर अपने जैसी महिलाओं के लिए खड़े होने की हिम्मत दिखाई और इसलिए इस खूबसूरत शख्सियत को रैंप पर वॉक करने के लिए फैशन शो में बुलाया गया और जब वो यहां पहुंची तो सबके दिल सम्मान से भर गए। 14 साल पहले जिसने झेली दरिंदगी की सारी हदें, आज बनी हिम्मत की पहचान। जब रैंप पर उतरी पाक की निर्भया, चौदह साल पहले जिस पाकिस्तानी महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई, जिस महिला की इज्जत को सरे राह तार तार कर दिया गया, वो महिला हिम्मत की पहचान बनकर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की निर्भया मुख्तारन माई की। 14 साल पहले मुख्तारन माई के साथ गैंगरेप हुआ था, उन्हें निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया था। उस निर्भया ने पाकिस्तान के एक फैशन शो में रैंप वॉक किया है। हौसले और महिला शक्ति की मिसाल 44 साल की मुख्तारन माई जब रैंप वॉक के लिए आईं, तो उनका तालियों से स्वागत किया गया। माई का साथ देने के लिए उनके साथ कई और मॉडल्स भी थी। फैशन पाकिस्तान वीक नाम से ऑर्गेनाइज हुए इस इवेंट में मुख्तारन माई ने पाकिस्तान की जानी मानी फैशन डिजाइनर रोजिना मुनीत के कलेक्शन जिंदगी के रंग को रैंप पर शोकेस किया। मुख्तारन माई पाकिस्तान में महिलाओं के लिए मिसाल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साथ हुई दरिंदगी के बाद भी न सिर्फ अपनी जिंदगी को दोबारा से जीने का जज्बा रखा, बल्कि आरोपियों को सजा दिलवाने की लड़ाई भी लड़ी और आज वो पाकिस्तान में महिलाओं के हक के लिए काम भी कर रही हैं। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। यूएस में प्रेसिडेंशियल चुनाव में कंट्रोवर्सी किंग डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दूसरों का मजाक उड़ाने वाले ट्रंप अब मैक्सिको के म्यूजियम में कार्टून एग्जीबिशन में खुद ही मजाक बने हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पॉलिसीज से ज्यादा अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए सुर्खियों में रहने वाले कंट्रोवर्सी किंग डोनाल्ड ट्रंप को अब अपने ही बयानों पर जवाब मिलने लगे हैं। कभी ट्विटर तो कभी स्टेज पर बयानबाजी से किसी भी क्लास, क्रीड और जेंडर का मजाक उड़ाने वाले डोनाल्ड ट्रंप का अब खुद ही मजाक उड़ने लगा है। ट्विटर पर कई बार ट्रेंड कर चुके डोनाल्ड ट्रंप के हाव भाव अब मेक्सिको के म्यूजियम में भी छा गए हैं। जी हाँ, मेक्सिको के म्यूजियम ऑफ कार्टून में डोनाल्ड ट्रंप ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक स्पेशल एग्जीबिशन चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल एग्जीबिशन। इस एग्जीबिशन में डोनाल्ड ट्रंप के 60 पोस्टर साइज कार्टून को शामिल किया गया है, जिसे मेक्सिको, लैटिन अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के आर्टिस्ट ने तैयार किया है। इन कार्टून्स में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के हाव भाव ही नहीं, उनकी कंट्रोवर्सीज का भी मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि मैक्सिन कार्टूनिस्ट को सबसे ज्यादा बुरा लगा था और इसीलिए उन्होंने क्रिएटिविटी के जरिए जवाब दिया है। मुझे लगता है लैटिन अमेरिकन को भी बुरा लगा था, लेकिन थोड़ा कम, और उन्होंने जवाब भी दिया। ये सब ट्रंप के बर्ताव और उनकी स्पीच और जिस तरह से उन्होंने हमें अपने कैंपेन में बेइज्जत किया, उसका जवाब है। मेक्सिकन क्यूरेटर अर्तुरो कैम्च ने 2 महीने पहले ईमेल्स के जरिए दुनिया भर में अपने दोस्तों को इस इवेंट का आइडिया दिया था, जिसके बाद उन्हें 1000 से ज्यादा एंट्रीज मिली। ये पोस्टर्स मैक्सिन लोगों की फीलिंग का जवाब है उस नेगेटिव शख्स को, जिसने हमें काफी बेइज्जत और शर्मिंदा किया है। हम बहुत क्रिएटिव हैं और हर बार हम ऐसे ही बेइज्जती का जवाब मजाक से देते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। मेक्सिको में ऑर्गेनाइज हुए इस इवेंट को US इलेक्शन यानी 8 नवम्बर तक चलना था, लेकिन इवेंट को मिली पॉपुलैरिटी के चलते इसे नए साल तक के लिए खोला जाएगा।
ये कार्टून इसीलिए होते हैं ताकि हम उन चीजों को लेकर हंस सके जिसने कहीं ना कहीं हम पर असर डाला है, लेकिन हमें इसके आगे भी इसे मस्ती से देखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। यूएस में होने वाले प्रेसिडेंशियल चुनाव में एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। इस चुनाव में हिलरी क्लिंटन कभी आगे रही तो कभी ट्रंप की कॉन्ट्रोवर्सीज, लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत किसे मिलेगी। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।